अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आज है फ्राइडे और मेरी फ्राइडे रूटीन, एक दिन छोड़ के एक दिन मैं व्लॉग बनाती हूँ। और यहाँ पे बस हम लोगों ने भी नाश्ता किया था और नाश्ते के बाद जल्दी से ये क्लीनिंग हो रही थी। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं जो बर्तन है वो वॉश कर रही हूँ। आज मेरी बेटी ठीक नहीं थी और बेटी मेरी घर थी और दोनों बेटे मेरे स्कूल गए थे। और बेटी के लिए हमने स्कूल इन्फॉर्म किया कि जी बेटी नहीं आ रही, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो उन्होंने जी कह दिया कि आप अपने बेटे भी ले जाएं आके स्कूल से और इनका कोविड का टेस्ट कराएं। मैं तो शॉक्ड हो गई कि वेदर की वजह से फ्लू वगैरह हो जाता है। तो यहाँ बस बच्चे आ गए थे स्कूल से और मैंने हम लोगों ने बस अभी नाश्ता डन किया था और नाश्ते के बाद मेरे हस्बैंड इनको लेने चले गए बच्चों को। और मैं बस फ्राइडे रूटीन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आज मैंने पूरे घर की क्लीनिंग की, ऊपर से नीचे बाथरूम लॉन्ड्री हर चीज़ मैंने की। और यहाँ पे मैं अभी, जैसे अब आप लोगों ने मेरे पहले भी ब्लॉग में देखा है कि मैं निचला जो है किचन और लिविंग तो मैं रोज़ ही करती हूँ, तो ऐसे ही यूज अब मैं ऐसे ही रोज़ ही कर रही हूँ नॉर्मली भी। तो इसके बाद मैं ऊपर जाऊँगी। आज मैंने सारे मेरे बाथरूम वगैरह वॉश करने थे और नीचे से काम करने के बाद मैंने कहा मैं पहले खाना बना लूँ, क्योंकि इस टाइम मिकाइल सो रहा था और फिर ऊपर मैं शोर नहीं करना चाहती थी। अभी तो आप देख रहे हैं यहाँ मैं मोप कर रही हूँ। मोप भी मैं एक दिन छोड़ के एक दिन करती हूँ, रोज़ नहीं करती, क्योंकि वैसे तो बच्चे घर होते ही नहीं है तो मिकाइल ने कितना गंद डालना, वो तो छोटा सा ही है। तो पीछे देखे मेरे बच्चे आ गए स्कूल से और अभी उन्होंने लंच भी नहीं किया था तो वही लंच कर रहे थे कि मामा हम तो भी स्कूल गई हैं। तो देखिए अब इंशाल्लाह बेटी की कर लेंगे अपॉइंटमेंट, उसका टेस्ट करवाएंगे तो इंशाल्लाह नेगेटिव आएगा, सब ठीक है। बस मौसम की तब्दीली की वजह से ना बच्चे आजकल वैसे ही बीमार हो रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए मैंने लॉन्ड्री अपना जो एरिया है सारा कर लिया है साफ़, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गंदा थोड़ा सामान नीचे था उसको उठा के मैंने स्टोर में रखा है, थोड़ा सा अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है। बाथरूम देखिए मैंने डन कर लिया बिल्कुल। ये बाथरूम तो इतना यूज़ नहीं होता, ज़्यादातर बच्चों पर ही करते हैं, बट कभी कभार जो लोग कहीं बाहर जाना हो तो जल्दी में बच्चे यूज़ कर लेते हैं, तो फिर मैंने इसको यहाँ पे कर लिया साफ़। और किचन मेरा देखिए सारा हो गया साफ़, वो जो बस बर्तन मैंने वॉश किए थे वो मैंने उनको वापस अपनी जगह पर रखना है। और देखिए बच्चे आके बैठ गए हैं, टीवी वगैरह देख रहे हैं, खा पी के मिकाइल अब सो गया है, तो इसीलिए फिर मैंने कहा कि अब क्या करूँ, नीचे से तो काम हो गया तो जल्दी से मैंने बना लेती हूँ खाना। खाने में मैंने सोचा था कि बेटी का क्योंकि गला ख़राब है, फ्लू है, तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं वो चिकन का शोरबा बना लेती हूँ। और रखा तो मैंने शोरबा था, बट बाद में मेरा प्लान चेंज हो गया कि यार मुझे इसके साथ रोटी नहीं खानी, तो मैंने साथ अपने लिए मटरों का थोड़ा सा पुलाव बना लिया। तो वैसे हमारा मतलब हो गया, मैं तो चावलों के साथ खा लेती हूँ। और ये चिकन का शोरबा बहुत अच्छा है, हल्की आँच में आप इसको रखें बहुत मज़े का बनता है। इसमें सिर्फ मैंने जो है प्याज और लहसुन फ्राई किए थे उनके सोते करके चिकन डाल दिया था और हल्दी नमक काली मिर्च वगैरह डाली थी और थोड़े से एक दो मोटे मसाले डाले थे और इसमें दही डाला था भूनने के टाइम थोड़ा सा 2 चम्मच। यहाँ पे मेरा खाना हो गया था बिल्कुल तैयार। देखिए चावल मैंने कितने अच्छे से बना लिए, फ्राइडे को मैंने बनाए थे मटरों वाले चावल साथ में चिकन का सालन। तो आइए आप लोग भी हमारे साथ खाइए और इन्जॉय कीजिए। मतलब होता है ना यार, खाना रेडी हो जाए ना तो फिर कोई टेंशन नहीं होती, जब भूख लगे तब खा लो, मेरा तो काम था खाना बनाना। और ये देखिए कितना प्यारा सालन खूबसूरत किस्म का मैंने रेडी कर लिया है, बहुत लाइट स्पाइसेस में मैंने डाले हैं बच्चों के लिए, और ख़ुद मैं इसके साथ दही डाल के खाऊंगी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसके बाद फिर मैं चली गई थी ऊपर, सारे रूम मैंने किए थे क्लीन और शावर मैंने जल्दी से ले लिया था। और उसके शावर के बाद हमने पढ़ना था जुम्मा, और आज बच्चे भी वैसे घर में थे तो चलो अच्छी बात है, हम लोगों ने सबने मिल के नमाज़ पढ़ ली थी। और नमाज के बाद मैं आपके साथ शेयर करूँगी ऊपर वाले रूम जो मैंने सारे क्लीन किए थे। है तो बिल्कुल ही मतलब सिंपल है, बट हाँ इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता टाइम लगता है। अभी मतलब एक साथ बंदा क्या क्या सेट करे, तो अभी तो फ़िलहाल मेरा ये टारगेट है कि जो टी वी लॉन्च लिविंग है तो लिविंग एरिया वगैरह वो सारे डाइनिंग वो मैं सेट कर लूँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं ऊपर सारे बेडरूम जो है सेट करूँगी। और पहला कमरा आपने देखा था वो था मेरे बेटों का, और सामने वाला कमरा इंशाल्लाह मैं गेस्ट रूम बनाऊँगी, क्यों आ जाता है तो चलो एक एक्स्ट्रा कमरा होना चाहिए। और ये वाला जो कमरा है ये मेरा कमरा है जो अभी बिल्कुल सिंपल है,
पर कोई नहीं, इंशाल्लाह इस पे मैंने आज कर्टन लाने थे बट कर्टन नहीं ला सके क्योंकि जो मेरा दूसरा बेटा ना उसकी दांत में दर्द निकल आया, पेन हो रहा था, तो इसलिए हमें जल्दी घर आना पड़ गया। और वो सामने जो है वो मेरी बेटी का कमरा है, इसके साथ एक बाथरूम है बाहर बच्चों के लिए। और बेटी वैसे मेरा कमरा अपना बिल्कुल साफ़ रखती है, मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती उसका कमरा साफ़ करने में। और इसके बाद फिर मैं कपड़े निकाल रही थी अपने लिए, तो मैंने देखा तो बैग में रनर था, तो मैंने कहा चलो सिल्वर के साथ अगर इसको डाल के देखते कैसा लगता है, पर हाँ ये अच्छा नहीं लग रहा था। बच्चे भी कह रहे थे और हस्बैंड भी कह रहे थे कि चलो येलो कलर का लेके आओ और वो डालते हैं। अभी मैं लाई नहीं, देखा मैं ऑनलाइन मंगाऊंगी। और इसके बाद मैं थोड़ा सा सो गई थी, मिकाल को भी नैप दे दिया था, और 5 बजे मैं उठी तो हम लोगों ने जाना था बाहर, हस्बैंड ने अपना कुछ ऑर्डर किया था वो पिक करना था, और आज तो वैसे भी फ्राइडे था और बच्चों को हमने प्रॉमिस किया था कि हम फ्राइडे उनको ना एक दो टॉयज ला के देंगे, खिलौने वगैरह। और फिर एक और स्टोर हमें पता चला था तो हमने कहा चलो वहाँ जाते हैं। अच्छा आज बहुत ओले पड़े थे, आपने देखा होगा मैंने थोड़ी सी वीडियो शॉर्ट शूट की थी ओलों की, लेकिन मैंने जल्दी से बंद कर दी क्योंकि ओले मुझे बहुत ज़ोर ज़ोर से लग रहे थे मजाक कर रही है। और यहाँ पे फाइनली प्रिंटर हमने लिया, प्रिंटर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और प्रिंटर मेरे ख्याल होना चाहिए घर में भी, हर किसी घर में होना चाहिए। और ये हमने प्रिंटर जो है वो पिक करने के बाद हम लोग एक नया कैश एंड कैरी, अच्छा अभी ग्लासगो में ना बेतहाशा वेयर हाउस है, बेतहाशा कैश एंड कैरी है, जिधर जाओ अलग अलग प्राइजें मिलती हैं। और ये इतना बड़ा कैश एंड कैरी था ना बैटली के नाम से, शायद मुझे ठीक से याद नहीं, बट बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा था, समझ नहीं आ रहा था कि क्या लें। ये मैंने टिश्यू पेपर लेने थे वो मैं छोड़ रही वहीं पे, और इतने अच्छे टिश्यू पेपर 12 से 14 रोल उसके अंदर सिर्फ 799, 699 या 9 के, मतलब 10 के अंदर अंदर आपको बहुत बड़ा टिश्यू रोल का पैकेट मिल जाता है। और वो मैंने लाना था और वही मैं छोड़ आई, कोई बात नहीं फिर नेक्स्ट टाइम जाऊंगी। ये तो बस हमने विज़िट करना था, और विज़िट क्या करना, यहाँ तो विज़िट के लिए भी टाइम चाहिए आपको भी। और ये बच्चे मुझे कहते मम्मा चलो ये दिखाओ ये दिखाओ, बच्चों की आज हमने ले ली थी थोड़ी सी चीज़ें, उन्हें स्कूल के लिए चाहिए था। और देसी घी तक आपको यहाँ पे मिलेगा 5 पाउंड का आई थिंक या 7 पाउंड का कुछ ऐसे, 5 या 7 के बीच बीच में ही है, बहुत बड़ा डब्बा है। और ऑयल भी बहुत बड़ा है, मैं मैटका में इतनी बड़ी बोतल यूज़ करती थी वेजिटेबल ऑयल की, और जो मुझे वहाँ पे मिल गई मैं लेके नहीं आई। और ये लीजिए नठेला मिल गई हमें, छोटी छोटी सी डब्बियाँ नठेला की, बच्चे बड़े बड़े बहुत ज़ाया करते हैं। ये देखिए सामने हलाल चीज़ें, हर चीज़ है फ्रेश प्रोड्यूस आपको, मतलब मैंने फिर इतना नहीं फिरी, कहाँ कहाँ मैं जाती, कहाँ कहाँ मैं वीडियो शूट करती, बट वीडियो शूट करने के लिए मुझे जल्दी से कुकली से बनाना पड़ा था कुछ ना कुछ। और यहाँ पे हम आ गए थे घर वापस क्योंकि बेटे के दांत में होते दर्द। और ये देख लें थोड़ी सी चीज़ें, ये एक डब्बे की सीरियल, मतलब पूरे पैकेट में 6 डब्बे हैं, ये बच्चों ने कुछ अपने लिए लिया था, जूस ऑरेंज जूस और चीज के छोटे छोटे कैन। और मैंने अपने लिया था रूबीकॉन, ये मुझे बहुत जूस अच्छा लगता है। और हस्बैंड का आ गया प्रिंटर, तो अब हम आपके साथ प्रिंटर करेंगे शेयर। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ खोलो ना अभी मैं अपना व्लॉग एंड करूँ, तो आप मेरा हमारा प्रिंटर देखकर बच्चे जो अपने खिलौने के साथ खेल रहे हैं। और यहाँ पे मैंने अपने हस्बैंड से कहा जल्दी से बॉक्स ओपन करें और देखें हमारे घर बहुत प्यारा प्रिंटर HP का वाइट कलर का आ गया है। और इसी प्रिंटर के साथ अब मैं अपने इस ब्लॉग का करती हूँ एंड, आपके साथ मैंने कहा ये भी चीज़ शेयर कर देती हूँ ना, जो घर में नई चीज़ आती है शेयर करती हूँ। तो ठीक है अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर और लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।